बदलो बढ़ो देश के साथ, इस इरादे और मूल मंत्र के साथ ईटी नाउ स्वदेश आप सबकी जिंदगियों में शामिल हो गया है। हमारे साथ आप लिखेंगे इस देश की तरक्की की कहानी, और जब बात हो तरक्की की तो खुशियों से आप कैसे दूर रह सकते हैं। महामारी का ये दौर हमने देखा और अब हमने काफ़ी दृढ़ता से इससे बाहर निकलने की काफ़ी हद तक कोशिश की और कामयाब भी रहे हैं। और अब वक्त आ गया है त्योहारों का, जहां पर खुशियां ही खुशियां आपको सब जगह दिखाई देंगी। जी हाँ, मेरा इशारा है आपके त्योहारी मौसम में, आपके बदलते हुए जीवन शैली की ओर, जहां पर एक बार फिर से हमने लोगों को घर से बाहर निकलते हुए देखा, अपनी ज़िंदगी को जीते हुए देखा, मॉल्स में वापस आते हुए देखा, खरीदारी करते हुए देखा। तो बस आज के इस नवरात्रि एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में एक बार फिर से कोरोना के बाद हमने देखा है कि सामान्यता आई है, कैसे लोग एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर चुके हैं। मैं आई हूँ फिलहाल मुंबई के मलाड के इन्फिनिटी मॉल में, और मेरे साथ एक बहुत ही बढ़िया पैनल है जो बताएगा कि कैसे कंज्यूमर्स आर बैक। इस थीम पर हम ये शो कर रहे हैं और मैं अपने इस पैनल का स्वागत करना चाहती हूँ। सबसे पहले रीटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के CEO कुमार राजगोपालन, आपका स्वागत है। इन्फिनिटी मॉल और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एट शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुकेश कुमार जी, आपका स्वागत है। आनंद राठी वर्ल्ड के डिप्टी CEO फिरोज अजीज, आपका स्वागत है। मेजर ब्रांड्स के प्रेसिडेंट तुषार वेद और स्पाइकर लाइफस्टाइल लिमिटेड संजय वखारी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। कंज्यूमर इज बैक, ये थीम लेकर हम ये शो कर रहे हैं जहां पर हम बताना चाहते हैं लोगों को कि कैसे आपकी ज़िंदगी एक बार फिर से नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। हमने काफ़ी दिक्कत का दौर देखा पूरे महामारी के दौरान। अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी हद तक सफल रही है, और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से हम लोगों को आसपास, हमारे आसपास घूमता हुआ देख रहे हैं। कुमार, क्या आप मानते हैं लोगों में जो पहले डर था वो जा चुका है, लोग खरीदारी करने के लिए वापस आ रहे हैं, त्योहारों को जैसे हमेशा से भारत में मनाया जाता था हम मना रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से कस्टमर्स जो हैं घर पे बैठे हुए थे इतने दिन, और अभी ऐसे लग रहा है जैसे आपने बताया कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, और काफ़ी हद तक लोगों के मन में एक डर से बाहर आ करके एक खुशियों का मन भर गर गया। सबके मन में खुशियाँ आई हैं। बिल्कुल। और जब त्यौहार आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली के साथ हम त्यौहार बिताएं, और इसी के साथ जो है शॉपिंग जुड़ जाता है, क्योंकि शॉपिंग जो है एक वातावरण बनाता है हमारे लिए। और हमने ये देखा हुआ है कि पिछले महीने में लोगों ने शॉपिंग इतना किया जितना कि सितंबर 2019 में किया था, मतलब महामारी के पहले जो शॉपिंग हुआ था उतना ही शॉपिंग हुआ था सितंबर 2021 में। और हम अभी सोचते हैं कि इस त्यौहार के वक्त शायद शॉपिंग ज़्यादा भी हो। अच्छा। तो लोगों को खुशियाँ ज़रूर है मन में, और खुशियाँ अगर दिखाना हो तो शॉपिंग करिए। हाँ। साथ में आइए। हाँ। लोगों को तोहफा दीजिए। हाँ। तो यही एक कम आता हुआ देख रहे हैं अभी तो। बिल्कुल। आगे चलकर मैं आप सबके आपके निजी एक्सपीरियंसेस भी जानना चाहूँगी जो कि आपने कोविड के दौरान एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन मुकेश जी, क्या मॉल में भीड़ वापस आ गई है, क्या कहेंगे? सेकेंड वेव के बाद जो भीड़ दिख रही है मॉल के अंदर, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ। बहुत जगह मॉल खुले, 3 महीने पहले जून से शुरू हुआ था प्रोसेस मॉल को खुलने का। जून में हमारा जो फुटफॉल था मेरा 30-40% था, दिल्ली है, लुक एट बैंगलोर, टाइम जहाँ भी मॉल पहले खुले थे, अभी तक 60% पहुँच गया। लेकिन जहाँ तक सेल की बात है, कंजम्पशन की बात है, ये ऑलमोस्ट 100% क्रॉस कर चुका है बाकी बहुत सारे स्टेट्स में। महाराष्ट्र में जो मॉल है काफ़ी लेट खुले हैं, अगस्त में खुले थे मॉल, बट लेकिन ये पास 40-45 डेज में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, फुटफॉल तो उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल है कि डबल वैक्सीनेशन चाहिए प्लस 14 डेज चाहिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन जो सेल आप देख रहे हैं वो काफ़ी बढ़ गया है। अच्छा। जो पहले लोग खरीदते थे लेट से 100 रुपये का, वो सेल हो गया 150 रुपये का। हाँ। पहले 100 में से लोग 30 लोग शॉपिंग करते थे, अब उसमें 60 लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अब ये लोग जो बोलते हैं इकॉनमी खुल गई, तो लोग पूछते हैं मॉल खुल गया क्या? मतलब सब कुछ जो चीयर्स जो बोलते हैं, जो खुशियाँ वापस आएंगे क्या? हाँ, क्योंकि हाँ। अभी क्या फैमिली के साथ क्या हो रहा है कि दे वांट टू गो आउट। हाँ। सिर्फ शॉपिंग की बात नहीं है, दे वांट टू स्पेंड गुड टाइम विद द फैमिली, के चलो जाके लोगों से मिलें, ओपन प्लेस है। हमको मॉल को क्या फ़ायदा हुआ है इस बार, लास्ट ईयर जो पेंडेमिक के बाद जो हमने मॉल खोला तो लोगों को पता चला कि काफ़ी सेफ जगह है, काफ़ी हाइजीनिक जगह है, यहाँ डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, यू आर नॉट रबिंग शोल्डर्स विद पीपल।
उसका हमको फ़ायदा सेकंड वेव के बाद पता मिला है। तो लोग जो आते हैं उनको लगता है कि ये काफ़ी सेफ जगह है। आप फिर से बात को लेकर आप इन मॉल के अंदर आते हैं, इस बेटर देन द एयरपोर्ट लेट मी टेल यू, तो सेफ जो इतना महसूस करते हैं वो कि सब कुछ चेकिंग हो रहा है। आप मॉल के अंदर अभी अंदर आ रहे हो, आप टॉयलेट में जा रहे हो या शॉप में जा रहे हो, सब जगह लिमिटेशन है। तो लोगों को महसूस हो रहा है कि अच्छी जगह शॉपिंग करने के लिए। नंबर टू फेस्टिवल आ रहा है, लोगों को तो बाहर निकलना ही था, दिस इज नो बेटर प्लेस देन दिस। तो वी कैन सी दी जो बिजनेस की बात है काफ़ी कुछ वापस आ गया है। हमारे पास डिटेलर हो, आप कंफर्म करेंगे कि क्या बिजनेस उनका अभी हो रहा है। बिल्कुल गुड बिगनिंग, बिल्कुल उनसे भी जानेंगे माहौल के बारे में। लेकिन फिरोज ये हो क्यों रहा है? काफ़ी हद तक हमने देखा है कि लोगों की नौकरियां गई हैं। जब शुरुआत हुई थी महामारी की तब तो फाइनेंशियली हमने देखा बहुत लोगों पर गाज गिरी है, सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, तो लोग इतना बाहर निकलकर वाकई खरीदारी कर रहे हैं, ये किस तरह का ट्रेंड है में बदलाव आपने देखा है एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट? कविता जी, ये ऐसी बात नहीं है कि लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ी है। हाँ, सैलरीज भले ही कम बढ़ी हो, हाँ, बट सेविंग्स काफ़ी बढ़ी है। बिल्कुल, तो सेविंग्स बढ़ गई हैं क्योंकि बाहर नहीं जाते तो खर्चा नहीं हुआ है। लास्ट एक साल हैज बिन द मोस्ट इनएक्सपेंसिव फॉर पीपल, और ट्रैवल भी नहीं है, तो काफ़ी सेविंग्स बढ़ गई हैं, सैलरीज बढ़ी हैं। अगर आप इनकम टैक्स की जो डेटा देखते हैं उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक कमाने वाले 3 गुना हो चुके हैं 2012 से 19 में। हाँ, तो सैलरीज बढ़ी हैं, सेविंग्स बढ़ी है, और तीसरी बात यह है कि आज 8 करोड़ स्टॉक के डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, और ये 8 करोड़ लोगों ने कुछ तो खरीदा होगा कैपिटल मार्केट्स में। हाँ, अगर आपने इंडेक्स भी खरीद लिया होगा, हाँ, तो पैसे दुगने हुए होंगे, राइट? वो पैसे खर्च करके उस खर्च से खुशियां पाने का आज मौका मिला है लोगों को जब वो अपने कैद से बाहर निकले हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव सेंटिमेंट, बिकॉज पैसे कमाने के बाद आप उसको खर्च करके खुशियां पाएं, तभी तो पैसे का मतलब है। आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल आर रियलाइजिंग। और जैसा कि हमेशा हम कहते भी रहते हैं कि अपने पैसों को जीना सीखिए। आप कमा रहे हैं, आप बचा भी रहे हैं, आप निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें जी कब रहे हैं? आप बताएं संजय जी, अब की बार फेस्टिव सीजन में क्या लग रहा है कि लोग अपने पैसों को जी रहे हैं, और आपकी भी जो जिंदगी है ब्रांड से जुड़ी हुई वो क्या पटरी पे वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है? सो मैं अगर ब्रांड की बात करूं तो ये जो लास्ट 3 महीने गए हैं हमारे, वो शायद हमारे करियर और लाइफस्टाइल के बेस्ट ईयर्स थे। अच्छा। सो हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि कंज्यूमर्स जो 1.5-2 साल से थोड़े सहमे हुए थे, हाँ, उन्होंने स्टेपिंग आउट और फैमिली के साथ वक्त बिताना उसका जो महत्व है वो बहुत अच्छी तरह समझ लिया। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा, पैसे से जीना सीख लिया, या पैसे के साथ जो सही इस्तेमाल करना चाहिए वो सीख लिया उन्होंने, एंड दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ पीपल अराउंड देम एंड स्पेंडिंग गुड टाइम्स विद देम। सो मेरा ऐसा व्यू है कि कंज्यूमर्स का एक बेसिक साइकी बदल चुका है, और फॉर हिम अब इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो अच्छी तरह से जिए, और जितना समय अपना बिता सकता है अपने फैमिली के साथ, अच्छे पल स्पेंड कर सकता है, जो चाहिए वो कर सकता है, तो वो उस लाइन पे वो चल चुका है, एंड बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से बाउंस बैक हुआ है। और जो बाहर निकल कर शॉप करने का जो एक मज़ा है जो उन्होंने 1.5 साल से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इन 1.5 साल में हमने ऑनलाइन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा कर लिया। हाँ। बहुतों ने ऑनलाइन शॉपिंग सीख ली। हाँ। और बिज़नेस भी बहुत अच्छा हुआ वहाँ पे। लेकिन ऑफलाइन का जो मज़ा है, जो एक ट्रांजैक्शन और एक एक्सपीरियंस में जो फ़र्क है, वो फ़र्क उन्होंने उसे जाना है, और उसको अब वो एंजॉय करना चाहते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफलाइन विल बी वेरी वेरी बुलिश इन आगे के समय में। हाँ। और मॉल्स हो या हाई स्ट्रीट हो, लोग बाहर निकलना पसंद करेंगे और फिर से उसी तरह शॉप करना पसंद करेंगे जैसे वो पहला किया करते थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन एक अलग मुद्दा है इस पूरी चर्चा में जो मैंने अलग से रखा हुआ है। तो शाह जी, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं संजय जी की बात से, और जो कुमार, मुकेश और फिरोज ने भी कहा, आपका अनुभव, आपके तमाम ब्रांड्स, आपकी किटी में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके लिए महिलाएं स्पेशली बहुत इंतज़ार करती हैं, आपका अनुभव कैसा रहा है? सो हम आई एग्री विद जो भी ये लोग कह रहे हैं, आई थिंक सब लोग ने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब आप घर पे बैठे हो जी, और 6 महीना 1 साल घर पे बिता रहे हो, तो पहले आप जाके देखते हो मेरे घर में सोफ़ा नया चाहिए, कर्टन नए चाहिए। बिल्कुल। सो आप जाके वो खरीदी करते हो। हाँ। अभी हम लोग देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं दुकान में, बोल रहे ऑफिस चालू हो रही है। हाँ। जूते खरीदने हैं, एल्डो में आते हैं,
बाथ एंड बॉडी वर्क्स हमने देखा है दिवाली की शॉपिंग बहुत हो रही है, जो लास्ट ईयर हम लोग ने किसी को गिफ्ट नहीं दिया, अभी हम देख रहे हैं गिफ्टिंग कर रहे हैं। हाँ। लोगों के पास सेविंग बहुत है, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं। आप बड़ी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ आपके फैमिली के साथ मॉल में के हाई स्ट्रीट में जाके स्पेंड करना, रेस्टोरेंट में जाना, आई थिंक ये बहुत महत्व रख रहा है। अभी लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि खाली ज़िंदगी सेविंग ही नहीं है, आपको टाइम भी स्पेंड करना है अपनी फैमिली के साथ और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। और एक चीज़ हमने क्या देखी कि लास्ट ईयर से अभी हम लोग मॉल में देख रहे बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि मॉल में अभी सब लोग डबल वैक्सीनेटेड है। वैक्सीनेशन दिए हमारे सब स्टाफ, मॉल के सब स्टाफ जब हम लोग यहाँ बैठे हैं मॉल में घूमते हैं, हम लोग सिक्योर हैं बिल्कुल कि बाजू वाले जो है स्टोर में कोई आ रहा है सब वैक्सीनेटेड है, उनको वो भी हेल्प कर रहा है। और जो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, बोलो डर के आगे कॉशन रह के जीत है। बी कॉशियस एंड शॉप एंड स्पेंड द टाइम विद योर फैमिली। आई थिंक स्पेंडिंग द टाइम विद फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो एक मूल बात जो मुझे समझ में आई है कि एक्सपीरियंस को लेने के लिए लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक बार फिर से हमने लोगों की जिंदगियों को वापस पटरी पर आता हुआ देखना शुरू कर दिया है। अब कुछ आंकड़ों की बात करते हैं, असल में बिजनेस हो कैसे रहा है, लोग खरीद क्या रहे हैं, जिस डिमांड की आप बात कर रहे हैं उस डिमांड को आप क्लासिफाई कैसे करेंगे, पेंट अप डिमांड है या नई डिमांड है, जो डिमांड देख रहे हैं क्या वो रहने आई है यहाँ पर, एक एक करके इसको लेंगे। मेरे ख्याल से आपकी कुछ खास रिपोर्ट है, फाइंडिंग है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं कुमार। हाँ, तो हम हर महीना एक रिपोर्ट निकालते हैं जहाँ पर हम 10 कैटेगरीज के जो हैं डेटा निकालते हैं। 10 कैटेगरी इसीलिए कि जैसे कपड़े का बिजनेस कैसा है, हाँ। ज्वेलरी का बिजनेस कैसा है, खाने पीने का बिजनेस कैसा है, हाँ। तो इस हिसाब से हम डेटा निकालते हैं। इसकी तुलना आप किस समय से करते हैं? दो समय से, एक तो पिछले साल से और एक बहुत जरूरी है कि प्री पैंडमिक, मतलब महामारी के पहले क्या बिजनेस था, क्योंकि सभी रिटेलर्स को महामारी के पहले जो बिजनेस था वही लाना एक लक्ष्य हो गया है। बिल्कुल। तो सितंबर में हमने जैसे मैंने बताया कि ज्यादा करके सभी कैटेगरीज ने सितंबर 2019 जो सेल हुआ था उतना तो कर ही लिया था। जहाँ अच्छा। तक आप जैसे फूड का देखते हैं, फूड तो महामारी के समय भी फूड ठीक ही चल रहा था, हाँ। लेकिन बाहर खाना, हाँ, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऑनलाइन तो थी। ही था और खुले ही थे जितने भी, हाँ। खाने के लिए था वो तो ठीक था, हाँ। लेकिन रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट खास करके, उनका बिजनेस काफ़ी बढ़ चुका है। ओके। तो पिछले महीने में तो लोग घर पर बैठ कर भी अब ज़्यादा मंगा रहे हैं, तो ये एक घर का खुशी भी बढ़ रहा है, बाहर जाके भी खा रहे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो रहा है उनके लिए, जहाँ तक रेस्टोरेंट का बिजनेस हो। अब जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है वो तो बिल्कुल आसमान छू रहा है, हाँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक जरूरी चीज़ हो गया, इट्स नॉट बिकम अ लग्जरी आइटम, इट्स बिकम एन एसेंशियल आइटम फॉर एवरीबडी, क्योंकि लोग घर में बैठे थे और वही घर जो था उनके लिए ऑफिस भी था, स्कूल भी था, Absolutely, और बिल्कुल. आपके लिए स्टूडियो भी था, हाँ। तो इस तरह से जो है सबके लिए वो जो घर एक रंगमंच जैसा हो चुका था, हाँ, सबके लिए, हाँ। और उसके लिए एक ही चीज़ जरूरी था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हाँ। और इसी के साथ जैसे तुषार जी ने बताया, अलग अलग चीज़ों का आपने देखा कि ये मेरा रेफ्रिजरेटर चल रहा है कि नहीं है, हाँ। मेरे किचन के इक्विपमेंट चल रहा है कि नहीं है, तो CDIT प्रोडक्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और IT प्रोडक्ट्स 28% ग्रोथ देखा हमने। अब कपड़े का जो बिजनेस है उसमें जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, लेकिन सितंबर में हमने ग्रोथ देखा, अच्छा। और इसीलिए ग्रोथ देखा कि लोगों ने अपना ऑफिस जाना शुरू कर दिया है और जितने भी त्यौहार हैं और स्पेशली घर के अंदर के फंक्शन जो हैं वो शुरू हो गए थे। तो अगर फंक्शन शुरू हो गए और अगर लोग ऑफिस जाने शुरू कर दिए तो जो है कपड़े का बिजनेस अपने आप हो रहा है। ज्वेलरी का बिजनेस अभी थोड़ा लैग कर रहा है, लेकिन हमारा सोच ऐसा है कि ज्वेलरी और ओकेशन वेयर अक्टूबर में अपना रंग बताएगा, बिल्कुल, तो वो भी एक जो है बिजनेस बढ़ेगा, हाँ। तो इस हिसाब से एक ट्रेंड अच्छी तरह देख रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड, लोगों का जो है व्यवहार भी अलग हो चुका है। और एक प्यारा चीज़ ये भी है कि लोग घर में भी बैठ के शॉपिंग के बारे में सोच रहे हैं, हाँ। और शॉप्स में आकर के भी शॉपिंग कर रहे हैं, हाँ। इसीलिए हमने देखा है कि जब कस्टमर्स आते हैं दुकान में तो उनका जो परचेसिंग पावर है और जो उनका जो बैग है एक हम बोलते हैं कि बास्केट साइज, वो दुगना हो चुका है, हाँ। तो अगर 1000 के खरीद रहे थे 2000 के खरीद रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो पहले से काफ़ी जो जो हम बोलते हैं कि डिस्कवरी फेस ऑफ शॉपिंग,
85% and more people are discovering shopping sitting at home. मेरे ख्याल से कि इसीलिए भी हुआ है और मुकेश जी आप मेरे ख्याल से इस पर elaborate कर पाएंगे क्योंकि हमारी जिंदगियों ने बहुत बड़ा टर्न लिया है जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी चीज आ गई ना हमारे जीवन में जहाँ पर हमने घर बैठे बैठे अपनी अपने घर को देखा अपने घर वालों को देखा और शायद अपनी जिंदगी में भी झांक के देखा है ना. तो कहीं ना कहीं जो जो कमियाँ फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ जहाँ थे ना वो हम अब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या इसको कंजम्पशन से आप कैसे रिलेट करेंगे? I'll give an example. जैसे लॉकडाउन चालू हुआ था पीपल लाइक अस स्टेइंग एट होम. हाँ. फिर पता चलता है कि मेड तो घर आती नहीं है बर्तन कैसे साफ होंगे. लेट मी टेल यू लाइव एग्जांपल क्या किस चीज़ का सेल काफ़ी बढ़ गया डिशवाशर्स का. सही बात. हाँ. मतलब इतना सेल बढ़ गया कि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा आ ही नहीं रहा मार्केट के अंदर. बीन स्टार्टेड नोटिसिंग ऑल दिस. लैपटॉप मिलना बंद हो गया. हाँ. सब लोग घर से काम कर रहे हैं. सही बात है. ये जो काफ़ी सेल बढ़ना चालू होगा एक्टिव वेयर यो स्नीकर्स यो ट्रैक पैंट्स सब कुछ सबका सेल इतना बढ़ गया था फर्स्ट पैंडेमिक के बाद बिकॉज दैट वॉज नेसेसिटी दैट टाइम. क्या घर में बैठे क्या करेंगे. हाँ. आपको बाहर निकलना दिस टाइम वेयरिंग गेटिंग योर ट्रैक पैंट योर टी शर्ट योर स्नीकर्स योर जिम इक्विपमेंट वो सबका सेल बढ़ गया. So we could see this how the trends are changing. लोग कैसे का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है. हाँ. लोग का रहना कैसा चेंज हो रहा है. हाँ. आप बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो जो भी आपको घर में दिखता है जो जरूरत की चीज़ें हैं जो पहले जरूरत नहीं थी वो जरूरत बन गई. हाँ. तो मुझे ये जरूरी है ये. हाँ. फ्रिज चेंज का पुराना हो गया चलो उसको चेंज कर देते हैं बिकॉज यू हैव द मनी इन योर हैंड. बिल्कुल. आप बाहर नहीं जा रहे हैं आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं आप बाहर खाना खाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि फियर तो था पहले से. हाँ. So whole trend the consumer behavior changed drastically. हाँ. वो अभी continue कर रहा है. Last first wave के बाद हमने देखा था एक दो चीज़ें जो उसका जो सेल काफ़ी कम हो रहा था कैटेगरी जो सेल था फॉर्मल वेयर एथनिक वेयर उसका सेल. हाँ. काफ़ी कम हो गया था. हाँ. किड्स वेयर लोग बाहर नहीं जा रहे हैं वो सब कुछ चेंज हो गया है इस बार. What we noticed last 3 months उसका भी सेल बढ़ना चालू हो गया. So there's no categories left जिसका सेल नहीं बढ़ रहा है. हाँ. They all coming to normal level. कुछ कैटगरी is gone beyond normal level. तो जहाँ तो overall situation की बात कर रहे हैं कि everywhere you can see a growth. Barring one or two category like spa is one thing that we think will take a little longer because वो fear अभी तक है लेकिन people gonna touch you massage वो थोड़ा time लगेगा. लेकिन जहाँ तक बाकी चीज़ की बात है is all improving. F&B is doing extremely well. मूवी जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा वी डोंट हैव टू मच कंटेंट. बिल्कुल. बीच में वो चेंज अगेन एक पुश दे देगा. वो चेंज होने वाला है. इन अ मंथ टाइम दैट विल आल्सो चेंज. न्यू कंटेंट इज कमिंग. मुंबई नहीं खुला था. जहाँ तक मूवी की बात है जब तक मुंबई नहीं खुलता है मूवी बिजनेस नहीं चलने वाला. सही बात है. वो 22 तारीख से खुल रहा है. अभी अनाउंसमेंट आ गया SOP आ गए 22 तारीख को मूवी थिएटर भी खुलने वाले हैं महाराष्ट्र में. मंथ थिएटर ओपन से महाराष्ट्र इतने सारे कॉन्टेंट लाइंड अप हैं दे ऑल स्टार्ट डूइंग वेल. आप साउथ की मूवी की बात करें वो दे आर डूइंग वेरी वेल. वहाँ सब कुछ खुल चुका बिल्कुल है. वहाँ पर तो. हाँ हाँ. सो ओवरऑल इफ यू सी दिस लॉट ऑफ ग्रोथ इन द सेक्टर. तो फिरोज वो कुमार की बात को ही आगे ले जाते हुए मुझे आपसे ये समझना है क्योंकि हम कंजम्पशन पैटर्न में अब बदलाव देख रहे हैं. ठीक है. एक समय था फर्स्ट वेव के दौरान जब थोड़ा चैलेंजिंग लगा था रिटेलर्स को और सभी तमाम इस बिज़नेस से जुड़े लोगों को कि पता नहीं सेल्स प्री पैंडेमिक लेवल्स पे जाएंगी कि नहीं जाएंगी. लेकिन हमने काफ़ी बदलाव आते हुए देख लिया सेकंड वेव के. अब हम ख़त्म हो रही है समझ रहे हैं ऐसा. मुझे ये बताया कुमार ने पॉइंट आउट किया कि लोग जो है सोच समझ कर खरीदारी कर रहे हैं. अब उन्हें पता है उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है लेकिन साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा भी खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ की ज़रूरत भले ही ना हो लेकिन एक फील गुड फैक्टर है ना. तो हमेशा से हम कहते आए हैं लोगों की आप बजटेड शॉपिंग कीजिए. आप जब बाहर खरीदारी करने जाते हैं तो एक लिस्ट बनाइए बकायदा. क्रेडिट कार्ड को देखिए कितने सारे पॉइंट्स हैं. जितना हो सके समझदारी से खरीदारी करें. अब इस पूरे माहौल में जिस तरह से हम स्पेंडिंग पैटर्न देख रहे हैं आपके फाइनेंशियल बिहेवियर के लिए कितना सही है कितना गलत है? देखिए सब एक संतुलन में ठीक होता है. एब्सोल्युटली राइट. अगर संतुलन बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम है. बट आई थिंक डेफिनेटली समझदारी बढ़ रही है. माना कि लोग बाहर नहीं गए हैं और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. वर्क फ्रॉम होम भी भले ही चल रहा हो बट डिजिटली आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई अपनी शक्ल 8 घंटे देखता है. आज जूम पे बैठते हो तो मैंने 10 शर्टें ज़्यादा खरीदी पैंट कम खरीदे. दैट समझदारी वाली बात बिकॉज योर फर्स्ट योर आपकी अपर बॉडी विजिबल है तो आप शर्ट्स खरीदेंगे. सो वो आई थिंक वो सूझबूझ तो है. दूसरा क्या होगा कि जो ब्याज दरें इंडिया में कम हो रही हैं और पैंडमिक की वजह से जो शार्प फॉल आई है इंटरेस्ट रेट्स में तो आपको पता है कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखूंगा तो कुछ ज़्यादा बढ़त तो होगी नहीं. 3-4% पहले 6-7% भी मिल जाता था. सो लोअर इंटरेस्ट रेट्स विल डेफिनेटली मोटिवेट पीपल टू स्पेंड. एंड आई थिंक ये जनरेशन थोड़ी ज़्यादा शार्प है तो सेंसिबल स्पेंडिंग तो ज़रूर करेंगे.
एंड थर्डली जो सोशल मीडिया का वेव चला हुआ है, हाँ. भले ही मैं घर बैठा हूँ बट मुझे चार फोटो इंस्टाग्राम पे लगानी है फॉर एग्जाम्पल, हाँ. तो वो तैयार होके लगाते भी हैं लोग बाग. सो आई थिंक दिस होल लगाई भी है. हाँ, तो एक सो ये दिस होल कंज्यूमरिज्म इज कमिंग आउट ऑफ दैट होल वन अपमैनशिप ऑन सोशल मीडिया और द पॉजिटिव सेंटिमेंट ऑफ सेंसिबल शॉपिंग. संजय, अगर मुझे कंपेयर करना हो दोनों वेव्स को, पहली वेव और दूसरी वेव, क्या आपने बदलाव देखा है? ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हुई होगी मेरे ख्याल से जब पहली वेव की बात है, क्योंकि अभी तो हमने देखा है कि दुकानें काफ़ी हद तक खुल गई हैं, लोग आना भी शुरू हो गए हैं. क्या ख़रीदारी तब हो रही थी और अब क्या ख़रीदारी हो रही है? सो फर्स्ट वेव के दौरान किसी को पता नहीं था हो क्या रहा है, कैसा हो रहा है, हाँ. कितना ख़राब होगा, हाँ. इससे और क्या क्या हो सकता है, तो हाँ. एक बहुत ही ग्रे एरिया था और उसके चलते बहुत ज़्यादा लोग कॉशियस थे. उस वजह से शायद इतने लोग बाहर नहीं निकले या इतना ज़्यादा हुआ नहीं जितना शायद सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं. बाय द टाइम सेकेंड वेव आया तब तक बहुत सारा वैक्सीनेशन भी हो चुका था और इवन द मेडिकल फ्रेटर्निटी को काफ़ी हद तक समझ में आ गया था कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए. तो वहाँ सर मुझे लगता है कि लोगों को एक दिलासा मिला है कि इट्स नॉट एज बैड एंड इट कैन बी कंटेंड. और फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थोड़े वो और खिलकर बाहर आए, कम डर रहे हैं अभी, थोड़ा कॉशियस अप्रोच है, लेकिन पिछले टाइम के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है. तो मैं ये कहूँगा कि जस्ट टू अ केस इन पॉइंट, अगर मैं बॉम्बे की बात करता हूँ तो अगर आप गणेश उत्सव देख लीजिए, हाँ. या अभी नवरात्रि देख लीजिए, कंज्यूमर्स अभी भी बहुत कॉशियस है और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है. उस वजह से मुझे लगता है कि इनकलकेट हो चुका है लोगों में कि कहाँ पर उनको कितना एडवेंचर करना है और कितना उनको संभल के रहना है. उसको ध्यान में रख के बहुत कुछ हो रहा है और बहुत लोग बाहर निकल रहे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग इन्फॉर्म्ड है और उस वजह से काफ़ी डेफिनेट भी है और अश्योर्ड भी है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा सस्टेनेबल है ये जो हो रहा है अभी, और बहुत हद तक जो अच्छा काम गवर्नमेंट ने किया है, वेदर इट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इट्स इंडियन गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हमें बेनिफिट कर रही है और करती रहेगी. और आई रियली डोंट थिंक कि हम वापस स्लाइड डाउन करेंगे. बिल्कुल, यहाँ से हम ऊपर ही जाएंगे, बेटर ही करेंगे. कम भी है, क्योंकि देखिए तुषार जी, आप शायद इसको समझा पाएंगे बेहतर तरीके से. कामयाबी की नई बुलंदियों तक छूने के लिए आपको एक कठिन सफर से गुजरना ही पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ बैठे तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स ने, आप लोगों ने सबने अनुभव किया ही होगा. कुछ उस स्थिति के बारे में मुझे बताइए, किस तरह की क्राइसिस से गुजरना पड़ा था और किस तरह से उभरे, ये भी एक कहानी है. पहला वेव बहुत डिफिकल्ट था, हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि जो शॉपिंग मॉल थे और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत हेल्प किया. जब आप गवर्नमेंट शॉपिंग मॉल हेल्प कर रहे हैं, और लोगों को बहुत तकलीफ़ें थी, लोगों पहले वेव में कुछ श्योर नहीं था आगे क्या होगा, हम लोग सब डर रहे थे कि आगे कैसे बढ़ेगा, मॉल कब खुलेगा, क्या होगा. आई थिंक वो क्राइसिस से निकलने के बाद हम लोग को दो तीन चीज़ समझ में आई. एक, जो इंस्टाग्राम का और फेसबुक का और सोशल मीडिया का जो प्रभाव है लोगों के ऊपर, आजकल लोग वो देख के ख़रीदते भी हैं, और पहले जो एक चीज़ खरीदते थे वो चार भी खरीदते हैं. अभी मेरे घर में मेरी जो डॉटर है 18 साल की है, वो जाके चार सनग्लासेस लेगी अलग अलग कलर के, अलग अलग शर्ट लेगी और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेगी. वो कंजम्पशन बढ़ भी गया है, लोगों को लेटेस्ट फैशन भी चाहिए. फर्स्ट वे बहुत डिफ़िकल्ट था, हम लोग जितने क्राइसिस से निकले उससे हमने समझ में आया कि लोगों को क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, लेटेस्ट फैशन लेके आओ, हमारे लेटेस्ट फैशन्स काम कर रहे हैं. सो ये सब हम लोग को बहुत उन्होंने ये हेल्प किया हम लोग को. सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. सो आई डोंट नो इफ यू हैव एनीथिंग एल्स बट. तो मुकेश जी, यहाँ पर आप इलैबोरेट कर पाएंगे, एक मॉल ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ आप मुहैया कराने की कोशिश करते हैं एक ग्राहक को, आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? रिटेलर्स के लिए तो ऑब्वियसली एक कंसर्न रहा ही होगा आपके लिए, लेकिन एक मॉल होने के नाते इतने सारे ब्रांड्स हैं आपके पास, किन किन दिक्कतों का सामना किया आपने? अब सेकेंड वेव की बात करें तो पहली दिक्कत हमारे पास यही, मैं इस मॉल की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ,
पहले कि हाउ टू गेट पीपल बैक, रिटेलर्स को कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि यहाँ जो काफ़ी टफ कंडीशन था, सबको डबल वैक्सीनेशन जरूरी है प्लस 14 डेज, तो गेट ऑल द शॉप्स ओपन वाज अ चैलेंज, क्योंकि लोग एम्प्लॉयज थे नहीं थे सारे, बहुत सारे एम्प्लॉयज यहाँ से छोड़ के चले गए, तो उन्होंने पहला डोज लिया था, सेकेंड डोज नहीं लिया था, वो पहला चैलेंज था, लेकिन मेरे ख्याल से हमने उसको मैनेज किया विद इन 2 or 3 weeks टाइम। सेकेंड था लोग कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, दो वी हैड एक्सपीरियंस कि लास्ट ईयर हमने देखा कि विद इन 4 weeks टाइम काफ़ी कस्टमर बिल्ट हो चुका था, विजिटर्स काफ़ी आने चालू हो गए थे। फिर हमने देखा कि बाकी सिटीज़ में क्या हुआ है, वहाँ भी हमने देखा कि फुटफॉल काफ़ी बढ़ रहा है। सो आई डोंट थिंक इट इज़ अ बिग चैलेंज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पीपल टू द मॉल, बिकॉज दे हैड द एक्सपीरियंस कि आप यहाँ आएंगे तो इट बी सेफ, क्लीन, हाइजेनिक, पीपल वैक्सीनेटेड। अभी मैं मास्क निकाल के आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए सारे वैक्सीनेटेड हैं, सो दिस नो फियर। मुझे मालूम है कि यहाँ पे जो एसी है वो सेफ़ है, हाँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ जो टॉयलेट्स है सारे सेफ़ हैं, हाँ। सारे इम्प्लॉयज़ हैं, दे ऑल बीन ट्रेंड हाउ टू हैंडल पीपल। हमको ये मालूम है कि हम भाई जहाँ तक मॉल की बात है, वी विल नॉट गेट टू मेनी पीपल, क्राउड कंट्रोल होगा, हाँ। हमने क्या किया है कि हमने एक ये एसओपी हमारा है कि फॉर एवरी 70 square feet ओनली 1 person विल कम, तो अगर हमारा 7.5 lakh square feet का मॉल है तो वी कैन ओनली टेक 10,000 people एट एनी गिवन टाइम इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज। तो ये सारे प्रोटोकॉल हमारे हैं, अगर आप इसको लेके चलें तो कस्टमर भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं, विल बी एब्सोल्युटली सेफ। आप किसी दुकान में जाइए वहाँ देखिए कि अगर 1,000 square feet का है, वी कांट टेक मोर देन 15 people। तो ये सब सेफ्टी हमने काफ़ी किया था, ये सारे एसओपी बनाए थे, सबको ट्रेंड थे, इसका हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उससे हम देखते हैं फुटफॉल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे महाराष्ट्र में थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल डबली वैक्सीनेटेड स्टिल नॉट रीच दैट लेवल, लोग बोल रहे हैं कि 40-45% हो गया, तो स्लोली इट इज़ बिल्डिंग अप, बट सेफ्टी इज़ नेवर कॉम्प्रोमाइज। पूरे अगर भारत का सिनेरियो मैं डिस्कस करना चाहूँ, बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सारे ब्रांड्स हमने देखा कि अपने स्टोर्स को रिसाइज करना शुरू कर दिया था, बहुत सारे ब्रांड्स तो सिमट भी गए, है ना। अब जिस तरह से हमें स्थिति नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि हम पहले से बेहतर बाउंस बैक होंगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि बाउंस बैक अच्छा ही होगा, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पहला कंज्यूमर ने क्या देखा 18 महीने में, तो सबका जो एक रिलेशनशिप है वो चेंज हो चुका है, लोगों का बर्ताव अलग हो चुका है, लोगों को समझ में आने लगा है कि मुझे पहले खुद को संभालना चाहिए, फिर हमारे पूरे फैमिली को संभालना चाहिए और रिलेटिव्स को, और फ्रेंडशिप और ज़्यादा जुड़ चुके हैं, और इस हिसाब से जो है एक थैंकफुलनेस का एक वातावरण फैल चुका है, और ये थैंकफुलनेस का वातावरण ज़रूर सही तरह का बिजनेस में कन्वर्ट करेगा। तो वो एक है, तो लोग जो हैं न सिर्फ खुद के लिए खरीदेंगे, दूसरों के लिए भी खरीदेगा, और मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को खरीदना चाहिए दूसरों के लिए, इसीलिए नहीं कि मैं दुकान को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसीलिए कि लोगों ने देखा है कि मेरा रिलेशनशिप पूरा चेंज हो चुका है, और हम यहाँ इसके दौरान हम बाहर आ चुके हैं यहाँ तक, तो हमें एक थैंकफुलनेस दिखाना ही चाहिए। तो वो एक है। दूसरी बात यह है कि जितने रिटेलर्स जो हैं ये 18 महीना संभल सके खुद को, और जिन्होंने नए चीज़ें सिखा हो, जैसे मैंने बताया ये को डिजिटल ऑनलाइन ऑफलाइन सीखा हो, जिन्होंने ये समझा है कि कंसम्पशन अलग तरीके का हो चुका है, जिन्होंने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अलग तरीके से अपना बना चुके हैं, और काफ़ी अलग तरीके का कस्टमर्स के साथ में एक जुड़ना अलग तरीके से करना चालू कर चुके हैं, तो ये आग से तपके बाहर निकले हुए हैं, और रिटेलर्स जो हैं ज़रूर फ्लरिश करेंगे। तो जैसे जैसे वातावरण सुधरता जाएगा, कुछ रिटेलर्स जो हैं बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स को समझाया है, नया वातावरण समझाया है, बदलाव किया है खुद पे। और अगर कोई रिटेलर ये समझे कि मुझे बदलना ही नहीं है, सब पहले की तरह हो जाएगा, तो ये गलत है। तो वो इसीलिए नहीं कि कस्टमर्स उनके पास नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए कि वो कस्टमर बदल चुके हैं। अब 80 साल के जो कस्टमर्स हैं वो भी अपने पूरे दुनिया भर के जितने रिलेटिव्स हैं उनके साथ हर रोज़ बात कर रहे हैं वीडियो के हिसाब से, तो उनका जो एक बर्ताव अलग है, तो आपको उनके साथ में जुड़ना तो चाहिए ही चाहिए। तो ये समझता हूँ मैं कि एक जितने बदले हुए रिटेलर्स हैं सब अच्छा काम करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑलमोस्ट सभी रिटेलर ने ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है, तो वो कैश ही दो तभी मैं बिजनेस करूँगा, वो सब वातावरण गया है। और अगर आप वही वातावरण वापस लाना चाहोगे तो बिजनेस नहीं होगा। अगर आप बदल चुके हो, कस्टमर के साथ साथ चल रहे हो, और कस्टमर्स को आगे लेकर के जा रहे हो, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ देम। तो
तो एक एक खरीदार को और एक ग्राहक को, दोनों को अपने रिश्तों में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक तरफ से दुकानदार जो हैं ग्राहकों तक पहुँचने की नई नई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ग्राहक होने के नाते आपने अपने पैसों को अब तक कैसे समझा है, आपका अपने पैसों के साथ रिश्ता कैसे बदला है, इस पर हम बात करेंगे फिर।